वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो ONGC स्टॉक की बात की जाए तो 128.80 पर रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। ONGC स्टॉक 1 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिले, हल्की सी तेज़ी यहाँ पे ONGC स्टॉक में आज देखने को मिले। 128.80 पर क्लोजिंग दे चुका है। तो देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यहाँ पे ONGC स्टॉक की वो थी 127.20। आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था स्टॉक। ओपन होने के बाद प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी का सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था स्टॉक ने और हाई 129.10 का था और क्लोजिंग दी थी 128.80 लेवल पे। मीन्स तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक का जो टोटल वॉल्यूम है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली टोटल जो वॉल्यूम है आज का दिन का जनरेट हुआ 64 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। ट्रेडेड वैल्यू जो थी 8,328 लाख की ट्रेडेड वैल्यू भी जनरेट हो चुकी थी टोटली। और यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो है उसके ऊपर नज़र डालेंगे तो देख सकते कि जो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है यहाँ पे 45,81,000 क्वांटिटी ट्रेडेड थी, उसमें से तकरीबन यहाँ पे डिलीवरी के लिए 23% क्वांटिटी चली गई। मीन्स 23 लाख टोटल 51% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए चले गए। तो देख सकते कि ONGC स्टॉक की बाकी के जो डिटेल्स है उसके वो चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो ONGC स्टॉक में देख सकते कि लास्ट मंथ के एंडिंग में तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर, पर इस मंथ के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे गिरावट वीक मूवमेंट देखने को मिली थी। तो फिर से आज स्टॉक बाउंस बैक तो हो चुका है, मंथली पीरियड के ऊपर क्लोजिंग दी है सपोर्ट लेके। तो 130 लेवल को जैसे ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि 130 को ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर से गिरावट हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ONGC स्टॉक के लिए।